अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी अल्बर्टा का फिफ्थ डे व्लॉग। फिफ्थ डे हम जैस्पर में थे और हम इस वीडियो में जैस्पर नेशनल पार्क की डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। और फिफ्थ डे हम मेडिसिन लेक, मालेन लेक, स्प्रिट आइलैंड, अटबास्का फॉल और पैरामिड लेक विज़िट किया था हमने। सबसे पहले हम जा रहे थे मालेन लेक, लेकिन उससे पहले हमें एक जगह हम रुके थे जिसका नाम था मेडिसिन लेक, जो कि बहुत यूनिक सा वो लेक था और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी वहाँ पे ज़रूर रुकेगा। जब हम ओंटारियो में थे तो अल्बर्टा में कुछ जगहों पे वाइल्ड फायर लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा स्मोक था। और जब हम गए थे जैस्पर तो हमें भी अम्बर अलर्ट यानी अल्बर्टा इमरजेंसी अलर्ट आ रहा था, और जो हमारे केबिन है उससे 2 आवर फार जो है वो फायर लगी हुई थी। और उस दिन 32 टेम्परेचर था, दिन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी, बहुत गर्मी थी, और रात को टेम्परेचर 7 पे चला गया था, तो रात को टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया था। ये देखें साइट में अथाबास्का रिवर चल रहा है और ये कुछ ट्रीज आपको नज़र आ रहे होंगे जले हुए, और ये हमने देखा कि यहाँ पे कुछ क्राउड जमा था रोड पे। हमने भी यहाँ पे कार पार्क की तो पता चला कि एक बेबी बियर है जो यहाँ पे ट्रीज के पीछे नज़र आया लोगों को, हमने भी सिर्फ उसे बैक से ही देखा था। देखें कैसे वाइल्ड फायर की वजह से सारे ट्रीज जो हैं वो जले हुए हैं, कुछ जो हैं वो गिर गए हैं, और ये कुछ ओरोजन की वजह से गिरे हुए नज़र आएंगे आपको। जैस्पर में आपको बहुत सीनिक ड्राइव नज़र आएगी। आपको जैस्पर में बड़े बड़े माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, फॉल और वाइल्ड फायर की वजह से पूरे पूरे एरिया आपको बर्न नज़र आएंगे। देखिए किस तरह पूरी तरह ये जले हुए हैं, और उसी में कुछ बिल्कुल ग्रीन कलर के ट्रीज भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और हम पहुंच चुके हैं मेडिसिन लेक, जो कि बहुत ही यूनिक सी जगह है। यहाँ पे काफ़ी एरिया जो है वाइल्ड फायर से देखिए बिल्कुल जल गया है। इसको डिसअपीयरिंग लेक भी कहते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा डीप है ना ज़्यादा ड्राई है, और हर सीज़न में ये इसका जो पानी का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। और लेक का पानी जो है नीचे सिंक होल में चला जाता है, तो उससे वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। 2050 में यहाँ पे बहुत बड़ी वाइल्ड फायर लगी थी, जिससे ये सारे ट्रीज जो हैं वो बहुत बुरी तरह जल गए थे। और कुछ जो आप लोगों को रेड ट्री बिल्कुल बर्न नज़र आते हैं वो बीटल की वजह से इफेक्टेड होते हैं। मेडिसिन लेक में आएंगे तो आपको हर तरफ बर्न ट्रीज, और आपको यहाँ पे आके साइलेंट और थोड़ा सा सैडनेस सा फील होगा। काफ़ी बैडली बर्न आपको ट्रीज नज़र आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ओल्ड ट्रीज हैं, तो बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो गिर भी गए हैं। बहुत ही यूनिक सा यहाँ का व्यू है, एक तरफ बर्न ट्रीज हैं, एक तरफ वाटर है, एक तरफ माउंटेन्स है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आएगा तो यहाँ पे आके आप नेचुरल ब्यूटी यहाँ की देखेगा। इसके बाद हम यहाँ से मालेन लेक निकल गए थे, जो बहुत फेमस प्लेस है कैनेडियन रॉकीज का, और हमने वहाँ से मालेन क्रूज लिया था। और मालेन क्रूज हमारे परसूट कलेक्शन का ही पार्ट था, और क्रूज हमें लेके गई थी आइकॉनिक स्प्रिट आइलैंड, जो कि बहुत खूबसूरत और फेमस जगह है। और हमने सारी टिकट्स जो हैं वो ओंटारियो से बुक कराई थी, तो बस हम टिकट शो करा के क्रूज में बैठ गए थे। और ये क्रूज हमें 19 मिनट में स्प्रिट आइलैंड लेके गई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, पानी का कलर और ट्रीज बहुत खूबसूरत कलर के थे।
स्प्रिट आइलैंड जाने के लिए आपको क्रूज ही लेना पड़ेगा। देखें कितनी खूबसूरत जगह है। स्प्रिट आइलैंड हिडन आइलैंड है और ये माउंटेन्स के सराउंडेड में है। बहुत ही छोटा सा ये आइलैंड है, आप इसको दूर से आइलैंड से खड़े होके देख सकते हैं। और ये इंडिजिनस लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था ये आइलैंड। क्रूज आपको 15 मिनट के लिए आइलैंड पे रुकती है, जहाँ पे आप खड़े होके अच्छे से वहाँ पे स्प्रिट आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1960 में स्प्रिट आइलैंड की ये पिक्चर जो है बहुत फेमस हो गई थी, उसके बाद लोग जो है दूर दूर से इसको आने लगे थे देखने के लिए। आप यहां से माउंटेन पीक्स देख सकते हैं। बहुत अच्छा वेदर था और बहुत ही खूबसूरत पीसफुल क्वाइट एरिया था। यहां पे 15 मिनट स्टे करने के बाद हम दोबारा से क्रूज लेके यहां से निकल गए थे। बस आप यहां से खड़े होके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा आइलैंड है तो इस पे नहीं जा सकते। इसके बाद जो हम गए थे, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अटाबास्का फॉल। बहुत ही खूबसूरत ये फॉल है। अटाबास्का फॉल जो है बहुत खूबसूरत फॉल है जैस्पर का, और ये काफ़ी पावरफुल फॉल है। और जब यहाँ का पानी गिरता है तो रॉक को कट करता हुआ पॉट में होल बना देता है और एक कैनियन टाइप्स का बन जाता है। और ये जैस्पर का सबसे बड़ा रिवर है। अटाबास्का रिवर जो है ग्लेशियर से आ रहा है, जो कोलंबिया ग्लेशियर से है, और हम उस पर आगे जाके इधर विजिट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसका पानी का प्रेशर इतना हाई है कि ये ब्रेक कर दे रहा है हर चीज़ों को, और ये डिफरेंट टाइप के जो है रॉक्स को शेप दे दे रहा है। माउंटेन्स के बीच में ये फॉल बहुत ही खूबसूरत लगता है। अटाबास्का फॉल पे डिफरेंट ट्रायल्स बने हुए और बहुत से व्यू पॉइंट्स हैं, जिसमें आप जाके डिफरेंट जगह से इसको अच्छे से देख सकते हैं इस फॉल को। और आप इसको जितने करीब से देखते हैं ये इतना ही स्ट्रॉन्ग फ्लो करता है। आप भी जब कभी जैस्पर आए तो ज़रूर इस अटाबास्का फॉल को देखने आए। बहुत खूबसूरत ये और बहुत यूनिक सा ये फॉल है। देखें ऊपर से कितने प्रेशर से पानी गिर रहा है और आखिर तक उसमें बहुत तेज़ी है। देखें इनके कितने अच्छे ट्रायल्स हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। रोड पे हमने फेस किया था वाइल्ड गॉड्स। देखें हमें जैस्पर में काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स नज़र आए। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट हम गए थे वो था परमिट लेक। बहुत खूबसूरत ये लेक था। यहाँ पे करीब में बना हुआ था रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने वीगन बर्गर खाया था। जैस्पर में हमें हलाल ऑप्शंस कम नज़र आए तो हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा और बियॉन्ड बर्गर ही ज़्यादा खाया। परमिट लेक के पास होटल्स वगैरह भी है, यहाँ पे आप बुक करा के यहाँ पे रह भी सकते हैं। मेरा मोबाइल डेड हो गया तो मैं यहाँ की वीडियो नहीं बना सकी थी। फिफ्थ डे का हमारा ट्रिप फिनिश हो गया था तो वापस हम अपने कैबिन्स में चले गए थे। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।